8 तारीख को पैंथर्स पार्टी का डेलीगेशन डिलिमिटेशन कमीशन से मिलेगा और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जम्मू और कश्मीर को बराबर सीटें मिलनी चाहिए और इसमें किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिलिमिटेशन करने के लिए पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है वो बेशक कश्मीर के हक में हो लेकिन उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर डिलिमिटेशन किया जाता है। जेएनके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 60 में यह कहा गया है कि पॉपुलेशन के अलावा फिजिकल फीचर्स को कंसिडरेशन में लाया जाएगा, फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन को कंसिडरेशन में लाया जाएगा, कन्वीनियंस ऑफ पब्लिक को कंसिडरेशन में लाया जाएगा और इन तमाम फैक्टर्स को अगर कंसिडर किया जाता है तो जम्मू का हिस्सा कश्मीर से कम नहीं होना चाहिए। वैसे भी जम्मू का ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो 26,293 स्क्वायर किलोमीटर है और कश्मीर रीजन का ज्योग्राफिकल एरिया 15,948 स्क्वायर किलोमीटर है। जम्मू में एवरेज साइज ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 710 स्क्वायर किलोमीटर है और कश्मीर में एवरेज साइज ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 346 स्क्वायर किलोमीटर। कितना बड़ा अंतर, इस अंतर को पाटना होगा डिलिमिटेशन कमीशन को। इसलिए हम कहते हैं कि अगर जम्मू को ज्यादा नहीं तो कम से कम बराबर की सीटें मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को हम ये कहना चाहेंगे कि वो आज भी लोगों को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं डिलिमिटेशन के नाम पर। अभी कल के पेपर में बयान आया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जो इनके सीनियर लीडर है वो कह रहे हैं कि हम डिलिमिटेशन कमीशन को ये कहेंगे कि जो सीटें पीओजेके के लिए रिजर्व की हुई है उनमें से 35% हिस्सा जो है वो वहां के माइग्रेंट्स को दिया जाए। बड़ी अजीब बात है कविंदर गुप्ता जी, जहां आपको ये बात करनी चाहिए थी वहां तो आपने ये बात की नहीं। ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री के समक्ष अगर आप ये मुद्दा उठाते और उसके बाद जेएनके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट होती, तरमीम होती, तभी इस किस्म की बात की जा सकती थी, इस किस्म का फैसला लिया जाता था। हैरानगी की बात यह है कि बीजेपी के लोग जो अपने आप को बड़ा बड़ा 30 मार्खा कहते हैं उनको यह मालूम ही नहीं है कि डिलिमिटेशन कमीशन का मैंडेट क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन का रोल क्या है। डिलिमिटेशन कमीशन सिर्फ डिलिमिटेशन कर सकता है, हदबंदी कर सकता है, परिसीमन कर सकता है, सीटों में बढ़ोतरी नहीं कर सकता। अगर पार्लियामेंट ने बिल पास किया है कि 90 सीटें होंगी, डिलिमिटेशन कमीशन को 90 सीटों की हदबंदी करनी है, ना तो ये 91 कर सकता है ना ही ये 99 कर सकता है। और हैरानगी की बात है कि इनके जो सबसे बड़े नेता हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता जी, वो कहते हैं कि अब हम डिलिमिटेशन कमीशन से करेंगे कि वहां की जो 24 में से 8 सीटें अब जहां बात करनी थी वहां आपने बात नहीं की। ऑल पार्टी मीटिंग में आप प्रधानमंत्री महोदय के गुणगान करते रहे, उनके गाने गाते रहे, उनकी प्रेज में वहां मसला उठाते ताकि जेएनके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 90 सीट्स का जो प्रावधान है उसको बढ़ाया जाता और पीओजेके की जो सीट्स हैं जो यहां माइग्रेंट्स आए हुए हैं उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां खामोशी अख्तियार करके रखी और अब आप लोगों को एक बार फिर से मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का दिवालिया निकल चुका है। इनके पास एक भी इंसान नहीं, एक भी लीडर नहीं है जिसको प्रोसीजर्स का पता हो, नॉर्म्स का पता हो, कानून का पता हो
तीर चलाने वाले ये लोग जम्मू के साथ कितना न्याय कर सकते हैं ये बात समझने की है। हम अपील करना चाहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन से कि मौजूदा पैरामीटर्स के मुताबिक जो आपका मैंडेट है उसको बगैर किसी फेयर और फेवर के पूरा कीजिए, इंसाफ कीजिए जम्मू खत्ते के साथ। हमारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है और जम्मू के साथ जो भेदभाव है वो इसी वजह से हुआ है कि सीटों के आवंटन सीटें इस वक्त जम्मू की हैं, 40 सीटें कश्मीर की हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल डोमिनेंस कश्मीर भर की सीटें मिले और साथ ही प्राथमिकता रहेगी ताकि इंसाफ हो सके और जम्मू खितों को उसका हिस्सा मिल सके। अगर ऑल पार्टी मीटिंग में जम्मू प्रांत की पार्टियों को पूरी रिप्रेजेंटेशन मिली होती आज ये जो है दिन देखने को नहीं मिलता, जब हमें जो है बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। और जो 2021 के सेंसस की आप बात कर रहे हैं बीजेपी वालों, आप तब दिल्ली के नेता ये फैसला कर रहे थे कि ये डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस पर होनी चाहिए। आज यहाँ चिल्लाने से, मीडिया में स्टेटमेंट देने से लोगों को मूर्ख बनाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, ये आप खुद मूर्ख बन रहे हैं। ये आपको पैंथर्स पार्टी कहना चाहती है और पैंथर्स पार्टी ही है जो जम्मू की लड़ाई लड़ सकती है, जिसमें कैपेसिटी भी है और जो इंसाफ करने की हिम्मत है।